खाला कह रही थी कि पैकिंग के वक्त ना वहाँ के मौसम का बहुत ख्याल रखना होगा, वहाँ टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है। तुमने मॉम को बता भी दिया है? जी, वो तो इतनी खुश हो रही थी, कह रही थी कि उनका भी प्लान था हमें नॉर्दर्न एरियाज भेजने का, लेकिन उनसे पहले बाबा ने हमें टिकट्स गिफ्ट कर दिए। तुम बहुत खुश लग रही हो। जी, मैं अपनी सारी फेवरेट जगहों पर आपके साथ जा रही हूँ, मैं खुश क्यों नहीं होंगी? अगर मैं ना जाना चाहूँ? मैं नहीं जाना चाहता। कोई बात नहीं, कैंसिल कर देते हैं। थैंक्स। मम्मी, कब तक नाराजगी रखेंगे आप पापा के साथ? फहमीदा की बात कर रहे हो? जाहिर सी बात है, और किसको नाराज किया हुआ हमने, और किसकी बात करूँगा? हमने नाराज किया है, उन्होंने खुद तमाम ताल्लुक तोड़े हैं हमसे। नहीं, खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। नुमान, जब नए रिश्ते जुड़ रहे होते हैं ना, तो पुराने रिश्तों को अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए। मैं पप्पू के घर गया था आज। क्या, क्यों? तुम्हें नहीं जाना चाहिए था वहां। क्यों नहीं जाना चाहिए? हाँ, कोई एहसास भी है? बेचारे माँ बेटे किस दुख से गुजर रहे हैं। बस कर दे नुमान, अब हातिम के बारे में बोलते ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। अगर वो इस घर का दामाद नहीं बना है तो इस घर का बेटा तो है ना। और इस घर की बेटी, उसको भूल गए हो तुम? हाँ, जिसके दामन को उसने दागदार किया, तुम्हारी सगी बहन, उसके बारे में तुम्हें कोई एहसास नहीं हो रहा? क्या एहसास नहीं है? उसकी ख्वाहिश पे उसका निकाह पड़ा तो दिया है, और क्या चाहती हैं आप? मत करें इतनी नफरत मुझसे, क्योंकि जिस दिन आपको एहसास होगा ना कि आपने मेरे साथ किया क्या है, उस दिन आपको सिर्फ तकलीफ होगी और आप कुछ कर नहीं सकेंगे, आपको सिर्फ पछतावा होगा। फुप्पो और हातिम के लिए बहुत मोहब्बत जाग रही है ना आपके दिल में, तो खोल दें दरवाजे, लेकिन मेरे जाने का इंतजार कर लें। सोमिया बिल्कुल ठीक कह रही है नुमान, जब तक सोमिया की रुखसती नहीं हो जाती, हातिम का यहाँ आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हातिम का फोन आया था? नहीं। कुछ तो लगता है वो अपनी फैमिली को बताना ही नहीं चाहता। थोड़ा वक्त दे दो उसे। थोड़ा सा वक्त दे दूं और कितना वक्त दूं? निका को इतना टाइम गुजर गया है, कुछ अंदाजा भी है आपको? निका के बारे में कुछ भूल रहे हो तुम? तुमने उसे मजबूर किया था निकाह पे, उस वक्त अगर ना कर देता तुम्हारी क्या इज्जत रहती? हाँ, अगर वो तुम्हारी बात की लाज रख सकता है तो तुम उसे थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकते?